आज की वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया के पिछले 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे किसने जनता के मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी तपस्या आपने नहीं किसानों ने की है। दूसरा, UAPA, NSA, PASA, NDPS, ये कानून है या फंसाने की बेड़ियां। तीसरा, चीन के उकसावे से कैसे निपट रही है सरकार। चौथा, सरकार ने आपके जीवन से खिलवाड़ कर लिया। और पांचवा, रोडवेज बनाम रनवेज, यूपी की बसें और डिपो को विकास का इंतजार। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कई अहम मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून को वापस लेने वाले बयान पर अपनी राय दी और कई अहम बातों पर चर्चा भी की। आज कई चीजों से धुंध छट गई। एक देश एक चुनाव के पीछे बिना सोचे समझे नाचने गाने वाले लोगों ने आज देखा कि अगर इस देश में समय समय पर चुनाव ना होते रहते तो सरकारें कब का आवारा और अत्याचारी हो चुकी होती। जो बात एक साल में नहीं समझ आई वो यूपी चुनाव के कारण समझ में आ गई। अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के लिए खुशी की बात है तो उन परिवारों को याद करने का भी दिन है जिनके अपने इस एक साल के दौरान पुलिस गोदी मीडिया मौसम की मार का सामना करते हुए शहीद हो गए। आज उन 700 किसानों को याद करने का दिन है जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। इन तस्वीरों में आप किस किस को नाम से पहचानेंगे और किस किस का नाम लेंगे। ये उन शहीदों की तस्वीरें हैं जिन्हें इस देश में आतंकवादी कहा गया। 700 किसानों की मौत हुई है और इन लोगों ने किसी संगठन के भड़काने के नाम पर अपनी जान नहीं दी। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, किसान का अपमान टैनी का सम्मान। दूसरा, किसान बीजेपी का खेल एक्सपोज्ड। तीसरा, विपक्ष मोदी की नीयत पर विश्वास नहीं। चौथा, चुनाव आया हिंदू मुस्लिम और जात पात लाया। और पांचवा, कश्मीर में बिगड़ते हालात जिम्मेदारी लो सरकार। अभिसार शर्मा ने अपनी वीडियो में सरकार को कई मुद्दों में घेरा जिसमें एक मुद्दा कश्मीर का भी था। कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में देखते हैं अभिसार क्या जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। उस राष्ट्रवाद का क्या फायदा जिसमें करुणा और ममता ना हो। उस 56 इंच के सीने का क्या फायदा अगर उसमें दिल ना धड़कता हो। हम कश्मीर को कश्मीर की जमीन को अपना अभिन्न अंग बताते हैं मगर वहां की जनता के साथ इस तरह ज्यादती, उन्हें लगातार उनके साथ अमानवीय बर्ताव और फिर हम कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कश्मीर में क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों। अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर, इन दो लोगों को क्रॉस फायरिंग में, सुरक्षा बलों का दावा है क्रॉस फायरिंग में इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि ये दोनों आतंकवादियों के समर्थक थे मगर आज उनके परिवार कह रहे हैं कि वो निर्दोष थे। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये दो तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ डॉक्टर मुदस्सिर की पत्नी अपने 18 महीने के बच्चे के साथ और दूसरी तरफ अल्ताफ की बेटी। ये दोनों रुदाली कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे परिजनों के शव हमें लौटा दिए जाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके परिजन, उनके पिता या उनके पति जो हैं वो बेकसूर हैं, वो आतंकवादियों के समर्थक नहीं थे। अब बात गोदी मीडिया के पत्रकारों की करते हैं। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कानून खत्म सियासत जारी। दूसरा, सियासी युद्ध हिंदुत्व के विरुद्ध, हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तीसरा, देश के अपमान में कैसी वीरता। चौथा, लखनऊ की राह एक्सप्रेसवे से हुई आसान। और पांचवा, हिंदुत्व पर वार मुगलों से प्यार। अमीश देवगन ने अपने डिबेट में कई मुद्दों पर चर्चा की जिससे ज्यादातर मुद्दे हिंदुत्व से जुड़े थे पर देश के मौजूदा हालात पर कोई डिबेट नहीं। जिस पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, जहां हिंदू अब 1% भी नहीं बचे हैं, वहां का विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि भारत की हिंदुत्व वाली विचारधारा, हिंदुत्व वाली सरकार की विचारधारा दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुत्व वाली सरकार है। लेकिन इन सबको एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि हिंदुत्व हिंदुस्तान की पहचान से जुड़ा है जिसे कोई नहीं छीन सकता। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा मेरा, आपका, हम सबका हिंदुस्तान। सोचिए
हिंदुत्व के ऊपर आज पाकिस्तान भारत को लेक्चर दे रहा है और कह रहा है ये हिंदुत्व वाली सरकार दुनिया के लिए खतरा है। वो मुल्क जो धार्मिक जिहाद करता है, वो मुल्क जो बेकसूरों को मारता है, वो मुल्क जो बेगुनाहों को मारता है। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत की पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की, देखते हैं वे किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, आंदोलन को कौन भड़का रहा है। दूसरा, कश्मीर में 2 साल में आतंक का सफाया। तीसरा, दिल्ली का प्रदूषण कैसे घटेगा। चौथा, आत्मनिर्भर भारत से परेशानी क्यों। और पांचवा, योगी मॉडल से कैसे मुकाबला करेगा विपक्ष। ऐश्वर्या ने अपनी डिबेट में कश्मीर का मुद्दा उठाया, देखते हैं कि क्या वह भी कश्मीर के हालात पर कोई जानकारी दे रहे हैं और क्या वह सवाल सरकार से कर रहे हैं या फिर विपक्ष से। आतंकवाद के साथ हो तो बाहर से बाहर, भारत से बाहर जाओ। कश्मीर को आतंकवाद से आजादी दिलाने की ठान ली है भारत की जनता ने और भारत की सरकार ने। साफ साफ है, दो टूक, इसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं होता, दो कदम इधर दो कदम उधर नहीं होता है, क्लियर है मामला। इसलिए आज ऐश्वर्या का एजेंडा पूछता है भारत में, साफ है, अगर आप आतंकवाद के साथ हैं, या आप या कोई भी हो, आप कितने भी बड़े राजनेता क्यों ना हो, कितने भी बड़े, ये जो लोग कहते हैं कि हम तो देखो सबसे बड़े एनजीओ चलाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, जो भी हो आप, अगर आप आतंकवाद या आतंकवाद से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की ओर कमजोर निगाह से या कमजोर दिल से देखते हैं, तो भाई साहब या बहन जी, वो आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं, भारत देश की नहीं, बहुत बर्दाश्त कर चुका है भारत। आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि दोनों तरफ के मीडिया के मुद्दों में कितना अंतर है। आप क्या सोचते हैं मीडिया के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.